और 9 सेकंड न्यूज में अब बात कोर्ट केस से जुड़ी खबरों। सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। मामले पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई थी संजय सिंह को बेल, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुनवाई। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। आज इस्तीफा देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। आज सुबह राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। पद छोड़ने के बाद कर सकते हैं राजनीति में एंट्री। आज बढ़ सकती है यूट्यूबर अल्पेश यादव की मुश्किलें। गुरुग्राम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दुर्लभ प्रजाति के सांपों का अवैध तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल करने का। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की है कमी या फिर उनमें है बहुत भीड़। लैंड पर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत का मामला। जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। राजोवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। घूस लेकर सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे की छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले नेता संसदीय विशेषाधिकार की आड़ लेकर नहीं कर सकते छूट का दावा। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में जयाप्रदा ने किया रामपुर के कोर्ट में सरेंडर। 3 घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद मिली बेल। अब 6 मार्च को अगली सुनवाई। जयाप्रदा को रामपुर कोर्ट से कुछ राहत। कोर्ट ने वापस लिया। जयाप्रदा को जारी किया गया वारंट। जयाप्रदा ने वारंट रिकॉल करने के लिए कोर्ट से अपील की थी। कोर्ट ने मंजूर किया प्रार्थना पत्र। और अब बात अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध शख्स का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सफेद रंग की कैप, ग्रे रंग की शर्ट, पीठ पर बैग टांगे नजर आया। कैफे में आने और वापस जाने की मूवमेंट सीसीटीवी में कैद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 24 कैरेट सोने के आभूषणों के 5 टुकड़े बरामद। 3 रेडियम प्लेटेड सिक्के भी जब्त किए गए। कुल 215 ग्राम वजन का सामान कस्टम विभाग ने सीज किया। आरोप एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी के प्रयागराज में दर्ज कराया गया मामला। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते रद्द की गई थी परीक्षा। मथुरा में बंद कमरे से बरामद हुई महिला की लाश। अपनी महिला दोस्त के साथ उसके घर रह रही थी महिला। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में होटल मैनेजर पर महिला कर्मी के साथ रेप का आरोप। होटल का रूम साफ कराने के बहाने वारदात को अंजाम देने का आरोप। महिला की शिकायत पर होटल मैनेजर गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में सरपंच की हत्या। सरपंच को मारी गई 7 गोलियां। 3 महिलाओं समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। गांव में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या। एयरगन से पत्नी को गोली मारी। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। यूपी के रामपुर में 2 भाइयों के विवाद में सीआरपीएफ जवान की मौत। चचेरे भाइयों और चाचा के बीच हो रहे झगड़े को लेकर देश बचाव के लिए पहुंचे थे धर्मेंद्र यादव। इसी बीच धर्मेंद्र को मारी गई गोली। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर्स गिरफ्तार। नंदू गैंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने ली आरोपियों की 8 दिनों की कस्टडी। अहमदाबाद मुंबई होते हुए गोवा पहुंचे थे आरोपी। सीमा हैदर और सचिन को मिला 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की तरफ से भेजा गया नोटिस। बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए कहा। और अब 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें। इंडियन नेवी में तैनात जम्मू के साहिल वर्मा का नहीं लगा सुराग। आईएनएस कोची से 1 हफ्ते से लापता है साहिल। नौसेना कमान ने एक्स पर पोस्ट की साहिल के लापता होने की खबर। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज परेशान। ब्लड की जांच के लिए किट की कमी होने से ब्लड चढ़ाने में आ रही परेशानी। मरीजों के तीमारदारों के सामने समस्या। तेलंगाना में दर्दनाक हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। एक ही परिवार से थे सभी लोग। कार के पेड़ से टकराने पर हादसा हुआ। घायलों का इलाज जारी। झारखंड के दुमका में रेप पीड़ित स्पेनिश महिला को आर्थिक मदद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित महिला को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद बिगड़ी 5 लोगों की तबीयत। कुछ लोगों के मुंह से निकला ब्लड। वीडियो भी आया सामने। पीड़ितों ने दर्ज किया मामला।
दिल्ली के बसंत कुंज में एम्बियंस मॉल में हादसा। मॉल की छत का बहुत बड़ा हिस्सा गिरने से भगदड़ मच गई। मॉल की तीसरी मंजिल पर हादसा हुआ। घटना के बाद मॉल बंद, लाखों के नुकसान का अनुमान। लखनऊ में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के आने तक खाक हुई कार। अनंत राधिका प्री वेडिंग के तीसरे दिन गणपति बप्पा की आराधना। अंबानी परिवार के साथ मेहमानों ने की बप्पा की आरती। विशेष आरती में अंबानी परिवार और बॉलीवुड से लेकर तमाम हस्तियां शामिल हुई। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में हुई हस्ताक्षर सेरेमनी। वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले हस्ताक्षर करने भाई रस्म। समारोह में ताली बजाकर स्वागत करते नजर आए बॉलीवुड के सितारे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से साफ की जा रही बर्फ। रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में सड़क पर जम गई कई फीट तक पथ। बीआरओ की टीम हाईवे से बर्फ साफ करने में जुटी। सोनमर्ग और जोजिला पास जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें, जल्द साफ होगी बर्फ। मुजफ्फरनगर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद। सरकार के निर्देश पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रहा प्रशासन। यूपी के महोबा में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जताई नाराजगी। सरकार से जल्द मुआवजे की मांग। ABP News आपको रखे आगे।